कि विपासना करते कहते हैं, विपासना में क्या होता है, और दूसरा सीन ये है कि विपासना को हम फिर करने के बाद अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं। कॉमेडी मूवी चल रहा है तो मुझे काम करने के लिए 5 किलो
बहुत तपना, बहुत काम करना है। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, उसके बाद कुछ देर ध्यान करेंगे, सभी लोग घर में आएंगे, विश्राम करो। ये हो गया पहला सीन हम लोग। अब हम देखते हैं विपासना को कैसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। भाई 10 दिन तो निकल गए पूरे, अब बैक टू डी बात क्या मजा। लेकिन दारू पे पहले सबसे पहले दारू पे हां फिर नहीं तो भाई सोऊंगा। तो विपासना खत्म हो गया, सुकून मिला है। सुकून तो है पर ठीक है, दारू पी सकते हैं। बाद में पता मैंने टीचर से पूछा था, कहते कह रहे थे 5 मिनट नहीं करने, चिकन नहीं खाना, वो नहीं करना, अच्छा नहीं करने। तो सर दारू से संवेदना कैसे आएगी? दारू पिएंगे तो संवेदना अपने लिए आएगी ना, बिगाड़ तो अपने अंदर जाएगा, बिगाड़ आएगा नहीं। तो मैंने टीचर से पूछा कि दारू पिएंगे ठीक है, दारू पीने के बाद संवेदना अपने अंदर आएगी तो हम परेशान होंगे, परेशान होंगे और किसी का नुकसान नहीं करते तो संवेदना किसकी हो गई? हमारी अपनी। तो टीचर ने पता क्या कहा? कहते दारू पी लो।